हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो TDS के ऊपर है। यहाँ पे आपके सामने एक इनवॉइस है जो कि इंस्टॉलेशन चार्जेस का है। तो इस इनवॉइस को हम लोग बुक करेंगे और इस पर हम लोग TDS काटेंगे। यहाँ पर इस कंपनी का पैन नंबर है, यहाँ पर AEHP, यहाँ पे जो चौथे नंबर पे P दिख रहा है उसका मतलब पर्सनल होता है। आप अपने CA को भी पूछ सकते हो, CA से पूछ के करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस केस में हम लोग ये जो पर्सनल वाला हमारा जो क्रेडिटर है उसका हम लोग 1% TDS काटेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग इस इनवॉइस को बुक करते हैं टैली में और इसका TDS का भी एक एंट्री करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो चलिए टैली में हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट से लेजर में जाएंगे, लेजर में हम लोग गायत्री एंटरप्राइज क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम लोग करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो ये इसका पैन नंबर भी मैंने डाल दिया, ये अनरजिस्टर रखेंगे इसको और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एड्रेस वगैरह मैं फ़िलहाल नहीं डाल रहा हूँ। और एक जो लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे वो लेजर होगा इंस्टॉलेशन चार्जेस का। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस करके मैं ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ। ये होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ पर जो भी इसका HSN कोड होता है आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से वो आप डाल सकते हो। अगर टैक्सेबल है तो डाल सकते हो, फिलहाल इसमें मैं टैक्स वगैरह नहीं रखने वाला हूँ। यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तीसरा जो लेजर क्रिएट होगा वो होगा TDS एट द रेट 1% का। ये जो क्रिएट होगा वो होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो होता है वो करंट लाइबिलिटीज़ में होता है। यहाँ पर TDS लेंगे। और एक लेजर में क्रिएट कर लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ TDS। ये भी होगा आपका, क्योंकि ये क्रिएटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे TDS में डबल एस दिया है, क्योंकि सेम क्रिएट नहीं होता है। तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही क्रिएट होगा। जो TDS होता है वो ये महीने का TDS हमें नेक्स्ट महीने की 7 तक पे करना होता है। अगर वो नेक्स्ट महीने की 7 को हम लोग नहीं करते हैं तो उस पर 1.5% का इंटरेस्ट लगता है। तो अभी हम लोग वो जो बिल है वो बुक करते हैं। तो यहाँ से मैं वी प्रेस कर दूँगा और यहाँ से मैं F9 करूँगा। F9 में मैं ये परचेज एक्सपेंसेस वाला लेजर लेता हूँ। एक बार बिल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2023 का बिल है और 14 नंबर इसका इनवॉइस नंबर है। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 40,000 है फॉर 6 विंडोज़ ऑफ मिस्टर निशांत। तो बिल जो है वो 40,000 का ही है और यहाँ पे 1 जुलाई 14 नंबर का इनवॉइस। तो यहाँ पर 1 7 23 इनवॉइस नंबर 14 14। यहाँ पे आएगा गायत्री एंटरप्राइज, कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल ए। यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट लेता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस ये नीचे वाला क्रिएट किया था 40,000। जो भी नरेशन है डिस्क्रिप्शन जो था वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे बिल में जो शो हो रहा है फॉर 6 विंडोज़ ऑफ मिस्टर निशांत, फॉर 6 विंडोज़ ऑफ मिस्टर निशांत। यहाँ पे हम लोग इसका TDS यहीं से काट लेंगे, TDS एट द रेट 1%। इसका जो 1% होता है वो 400 रुपया होता है। तो यहाँ पे मैं माइनस की साइन डाल के 400 कर दूंगा।
तो जो मैं इसको पेमेंट करूँगा वो ये करूँगा 39,600 रुपीज़ की। और मैं यहाँ पर नरेशन में भी लिख दूंगा, नरेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा था 46 विंडोज़ ऑफ मिस्टर निशांत, तो यहाँ पे नरेशन में सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉलेशन लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने 400 रुपीज़ काट दिए, यहाँ पे माइनस में चला गया, और यहाँ पे 39,600 मुझे ये पार्टी को पे करना है सीधा TDS काट के। तो अभी हम लोग पेमेंट की एक एंट्री करते हैं, पेमेंट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है F5। इससे पहले हम लोग एक बार इसका जो इफेक्ट जो हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में यहाँ में दिखेगा, ये देखिए TDS 400 रुपये यहाँ दिख रहा है, तो वहाँ पे माइनस साइन डाली थी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी माइनस दिखेगा, प्रॉपर वे में दिख रहा है यहाँ पे 400। तो ये हमें इसकी जब पेमेंट करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग पेमेंट करते हैं, वैसे हम लोग एक बार गायत्री एंटरप्राइज़ का भी लेजर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 39,600 रुपीज़ देना बाकी है, तो इसकी तो पेमेंट अलग ही होगी। हम लोग एक TDS की पहले पेमेंट करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि हमें TDS में इंटरेस्ट भी भरना है। तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करते हैं, यहाँ पे हम लोग चेंज मोड में जाके डबल एंट्री सिस्टम कर लेते हैं, तो ये अभी डेबिट क्रेडिट आ गया। और अभी हम लोग इसकी पेमेंट जो है मान के चलते हैं, जुलाई का बिल था, तो हम लोग 31st में हम लोग इसकी पेमेंट कर रहे हैं, 31 अगस्त को, मतलब हमारी 7 तारीख जो थी 7 अगस्त को वो जा चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग जो डेबिट करेंगे वो है TDS एट द रेट 1%। वहाँ पे आपने देखा होगा कि TDS जो था वो क्रेडिट में था, अभी यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे 400 रुपीज़। और वापस से एक चीज़ डेबिट करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ TDS, तो ये 6 रुपये का इंटरेस्ट आया है। मैं आपको यहाँ पे कैलसी पे नीचे करके दिखाता हूँ, 400 × 1.5%, तो देखिए 6 रुपये आता है 1.5% के हिसाब से, तो 6 रुपीज़ इसका हो गया इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग लेट भर रहे हैं। जुलाई का TDS 7 अगस्त तक हो जाना चाहिए था, बट 31 अगस्त आ गया, तो 1.5% इंटरेस्ट लग गया। क्रेडिट में होगा हमारा बैंक, तो बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे 406 रुपये हमने बैंक को दिए। यहाँ पे मैंने चेक लिया था, बट वो NEFT आएगा, जैसे आप पेमेंट करते हो वो हिसाब से आएगा। तो ये एक एंट्री आप देख लीजिए, पेमेंट की एंट्री हो गई TDS की। अभी आपको इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ TDS तो दिखेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बिकॉज ये आपका खर्चा ही है। आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिखेंगे वहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा आपको ये। प्रॉफिट एंड लॉस में गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गए, यहाँ पर देखिए आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस दिख रहा है 40,000 रुपया, ये देखिए 40,000 दिख रहा है। आपको इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ TDS 6 रुपया दिख रहा है, बिकॉज ये आपका खर्चा हो गया, इंटरेस्ट लग गया, तो इंस्टॉलेशन भी आपका खर्चा है। अभी आपको गायत्री की अगर मैं लेजर में लेके चलूँ तो उसको हमें पैसा देना है, तो एक गायत्री एंटरप्राइजेस को हम लोग पेमेंट करेंगे। अभी इनको हम लोग पेमेंट कर देते हैं 31 जुलाई को, F5 करेंगे 31 जुलाई, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करते हैं गायत्री एंटरप्राइज को 39,600 अगेंस्ट 14 नंबर के इनवॉइस के, तो ये भी हमारा सेटल हो गया। ये देखिए गायत्री का जो बैलेंस है वो 0 हो गया है। यहाँ पे आपका जो भी चेक नंबर होगा वो आप डालिए, और यहाँ पे चेक की डेट, देखिए ये गायत्री एंटरप्राइज का जो लेजर है वो टैली हो गया यहाँ पर। अभी हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, TDS बैलेंस शीट में दिख रहा है या नहीं। TDS 1%, तो करंट लाइबिलिटीज़ में
ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से देखिए TDS 1% वाला हट चुका है नहीं, तो एक बार TDS के लेजर में जाके देख लेते हैं। TDS @1%, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बुक किया था TDS इंस्टॉलेशन के बिल में और हमने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया से TDS की पेमेंट कर दी। तो इसी के ऊपर ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।